उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसान के हित में काम कर रही है। योगी सरकार ने किसानों के बिजली बिल को माफ कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों का जितना ख्याल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वह सराहनीय है और हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसानों के ट्यूबवेल की बिजली को माफ करने पर धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार बात चल रही थी किसानों को लेकर, तो किसानों का जो बिजली पानी था वो उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार ने माफ़ कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों का ट्यूबवेल का बिजली का बिल माफ़ उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है, इसके बारे में मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 22 मई पूजनीय सम्माननीय संत बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने ये कह दिया था कि मैं भानु प्रताप सिंह के कहने से, किसान नेता के कहने से बिजली ट्यूबवेल वाली जो सिंचाई के लिए होती है 5 साल के लिए फ्री देंगे, और उन्होंने अपना काम ये कर दिया है, उनके लिए बार बार बधाई है। और मुख्यमंत्री योगी बाबा ऐसे हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दयान छोड़िए जब लग घट में प्राण, दयालु हैं वो। किसानों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, कमजोरों के लिए भी सब काम कर रहे हैं। कहीं किसी के लिए किस्तों में पैसे कह रहे हैं, किसी की ब्याज माफ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। दूसरी, कोई भी माफिया हो उसको सही कर रहे हैं, डरपोक भी नहीं है। तुम सोचोगे दयालु हैं तो डरपोक हों, वो सही कर रहे हैं सबको। गुंडा माफिया को सही कर दिया, गुंडा माफिया में बुलडोजर भी खूब चलाया, जेल में भी डाल देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संतन छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, 5 बार सांसद और 5 साल मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री रहने के बाद संत बाबा ने अपना बाना नहीं बदला संत का, ये सबसे बड़ी तारीफ और प्रशंसा की बात है। क्योंकि बहुत हमने महात्मा देखे, जब एमपी बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, एकदम आ गए अचकन में, चूड़ीदार पजामा पहना, साफा पहना, बाबा नहीं आए। इसके लिए बाबा को बार बार बधाई है, बाबा के लिए बार बार धन्यवाद है। और हम ये और चाहते हैं, आज नहीं जब कभी ऐसा समय आवे, क्योंकि योगी बाबा ने यह दिखा दिया है कि उनका कुशल नेतृत्व करने की क्षमता है, तो कभी जैसे हमारे मोदी बाबा गुजरात के मुख्यमंत्री थे फिर प्रधानमंत्री बन गए, तैसे ही हमारा अपना मन है, भानु प्रताप सिंह का मन है, अंदर से आत्मा गवाही दे रही है कि ऐसे ही कभी जब समय आवे, उनके अनुसार मैं नहीं कह रहा कब आवे, तब योगी बाबा को नेतृत्व क्षमता देखते हुए भारत का भी प्रधानमंत्री बनाना और बनना सुनिश्चित किया जाए। जय जय श्री राधे। धन्यवाद सर एमपी न्यूज से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का कहना था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार लगातार काम कर रही है, किसानों के हित में काम कर रही है, नौजवानों के हित में काम कर रही है, जो गरीब दलित पिछड़ा है उनके भी हित में काम कर रही है। लगातार जिस तरह से बिजली माफ़ कर दिया गया और पानी का बिल माफ़ कर दिया गया, तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं राशिदल जी, लखनऊ। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसे किसान हार मान करके थक करके घर बैठ जाए इसलिए डार्क जोन घोषित कर दिया था, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा ठाकुर भानु प्रताप सिंह को। इन्होंने हमारे सामने कहा था डार्क जोन से उभारो, हम लोगों ने डार्क जोन से उभार दिया। ठाकुर भानु प्रताप सिंह के कहने पर हम लोगों ने तय किया कि अगले 5 साल के अंदर किसानों को फ्री में पानी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे।